तो हेलो यारो, आप लोगों का बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट करने में बात करेंगे अपकमिंग सारे के सारे इवेंट्स करने में, और काफ़ी सारा नया नया इवेंट करने में भी हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। कुबड़ा बंडल से लेकर बहुत कुछ इवेंट करने में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। और भाई लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो, और कोई अच्छा सा एक कमेंट भी कर दो। जैसे कि यहाँ पे भाई लोगों ने कमेंट किया है कि आई एम वेटिंग, फुल सपोर्ट करो भाई लोग को। तो यहाँ पे भाई लोग को मतलब यार भाई लोग जितने भी है मेरे वीडियो देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर वालों, तो उन लोगों को ये भाई ने बता रहा है कि सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए और सपोर्ट वगैरह करने के लिए थोड़ा। इसके बाद में यहाँ पे भाई ने और एक मैसेज किया कि ब्रो 2000 डायमंड में कुबड़ा बंडल निकल जाएगा क्या? तो भाई देखो, वो 2000 में तो शायद नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक लीजेंडरी बंडल है, ठीक है, और लीजेंडरी का सबसे पहला लीजेंडरी बंडल है ये, तो इतना सस्ते में तो गिरना नहीं डालने वाला है आप लोगों को। 2000 डायमंड मतलब 800-1600 रुपया होता है, तो इतना कम में तो आप लोगों को गिरना कभी भी नहीं देगा कोबड़ा बंडल। कम से कम 3000 रुपया तक तो आप लोगों को खर्च करना ही पड़ेगा। इसके बाद में इस बात करके आप लोगों का सबसे पहले की इवेंट कर में, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, आप लोगों का जो थाला इवेंट है ना ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोगों को कुछ ही दिन के अंदर अंदर गेम पे के लिए मिलेगा, क्योंकि आप लोग का फ्री फायर इंडिया जो है वो आने वाला है कुछ दिन में। इसके लिए आप लोग का जो थाला इवेंट है वो आप लोग को पहले से ही इंडियन सर्वर देखने के लिए मिल जाएगा फ्री फायर मैक्स के अंदर, वो चलते हुए आप लोग का फ्री फायर आएगा। तो आप लोगों को जब देखने के लिए मिल जाएगा फ्री फायर मैक्स के अंदर, उसके कुछ दिन बाद ही आप लोग का फ्री फायर इंडिया जो है वो आ जाएगा। और जिस दिन आएगा ना फ्री फायर इंडिया, उसके 2-3 दिन पहले से कन्फर्म हो जाएगा कि फ्री फायर इंडिया आएगा। ग्रेना फ्री फायर की ऑफिशियल पेज जो है उस पर भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि फ्री फायर इंडिया आने वाला है। तो यार यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि आप लोगों में से जो भी भाई लोगों ने फ्री फायर इंडिया के लिए वेट कर रहा है और इस थाला इवेंट के लिए वेट कर रहा है, उसको बस एक ही बोलूंगा कि भाई आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है अभी, क्योंकि गाइस आप लोगों को ज्यादा दिन वेट नहीं करना है। थाला इवेंट का पूरा तो यहाँ पे रेडी हो चुका था, अभी इसका कैरेक्टर भी रेडी हो चुका है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों को फ्री फायर इंडिया भी देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों का जो थाला इवेंट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी यार कैरेक्टर तो को मैं रिव्यू करा चुका हूँ इसका पहले, और रिव्यू भी करा दिया, और कैरेक्टर का सिर्फ स्किल अभी तक रेडी नहीं होना बाकी है, ठीक है। स्किल रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रेना ने बहुत ही जल्दी जल्दी स्किल को रेडी कर देगा, क्योंकि स्किल तो अभी मतलब बहुत सारा बंदे को पता चल चुका है कि क्या स्किल आएगा, हम लोगों को भी पता है, लेकिन आज के डेट में नहीं बता सकता हूँ, कल आप लोगों को या फिर परसों बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का चाओस इवेंट कर मैं बात करें, तो गैस चाओस इवेंट आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। गैस इसके अंदर से आप लोगों को क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा ये तो मैं बहुत टाइम पहले से बता दिया हूँ, लेकिन इसका इंटरफेस कैसा होगा ये मैं आप लोगों को अभी तक नहीं बताया हूँ। तो चलो आज की वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होगा, मतलब इवेंट जब चलेगा तो उस टाइम गेम के अंदर आप लोगों को क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे एक खतरनाक सा देविल जैसा दो बंडल देखने के लिए मिलता है, एक मेल की और एक यहाँ पे और फीमेल की। इसके साथ साथ आप लोगों को इसका जो एनिमेशन है ना मेल बंडल की वो बहुत ही खतरनाक है। इसी के साथ में यहाँ पे फीमेल के बंडल देखो कुछ नॉर्मल टाइप का है, तो शायद गिरना आप लोगों को फ्री में भी दे सकता है। बाकी यार फ्री का बंडल फीमेल की ले लेके तो मैं थक चुका हूँ, मेरे आईडी पे तो यार मतलब क्या बताओ यार, फीमेल के बंडल ही भर चुका है, लड़के का बंडल तो है ही नहीं। तो आप लोग भी बताओ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखो एक इमोट है बढ़िया टाइप का, जो आप लोग को सेम टू सेम क्रोनो के जैसा दिखने के लिए लगता है। तो क्रोनो जब इवेंट आएगा उस टाइम आप लोग को जैसा दिखने के लिए मिला था एक इमोट, उसी टाइप सा इस पर भी एक इमोट आएगा। यहाँ पे और एक इमोट देख सकते हो जो आप लोग का सेल्फी लेने वाला इमोट है। बाहर की जरूरत यार यहाँ पे कैलेंडर के अंदर से देखने के लिए मिलता है, मतलब यार यहाँ पे फ्री में दे रहा है, तो इंडियन सर पर आप लोग को गिरना फ्री में नहीं डालने वाला है, आप लोग को पता ही है बात। इसके बाद में गए यहाँ पे और एक कैलेंडर देख लो, दो तरीके का 3 तरीके का कैलेंडर निकल के आ चुका है, बाहर की सभी सर्वर के अंदर अभी इवेंट स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन इंडियन सर्वर आप लोगों को कब आएगा पता तो है ना अपडेट के बाद। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कुछ गन स्किन वगैरह भी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, साइथ की स्किन से लेके गुलाल की स्किन, इमोट, और यहाँ पे काफी सारा आइटम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि जीप की स्किन वगैरह, बहुत कुछ यहाँ पे आइटम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और भी काफी सारा आइटम है। मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा रिव्यू करा दिया, बाकी तो देखो इवेंट जब आ जाएगा तो अभी तो कुछ दिन में आने वाला है, 2-1 दिन का ही बाकी है, तो इवेंट तो आ जाएगा तो आप लोग देखना, उसमें बहुत ही अच्छा खासा चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बाकी तो आप लोग यहाँ पे और एक चीज नोटिस करो, इसमें जो इंटरफेस होगा मैं आप लोगों को बताया नहीं हूँ इंटरफेस कैसा होगा, बता देता हूँ। चलो पहले तो यार आप लोगों को लॉबी से ही दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉबी के अंदर नीचे में कोने में आप लोगों को एक देखने के लिए मिलेगा इसके इंटरफेस के जैसा। उसके बाद में यहाँ पे देखो इंटरफेस कैसा होगा, यहाँ पे गो वोट करके लिखा हुआ रहेगा, और इसको जब आप लोग गो वोट करोगे तो यहाँ पे आप लोग को वोट करना पड़ेगा, ठीक है, 3 ऑप्शन रहेगा, तीनों को आप लोग को वोट करना पड़ेगा। अभी जिसमें वोट ज्यादा
ज़्यादा होगा वही आप लोगों को गेम पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर में दिखा रहा है सजेशन में यहाँ पे कर दिया है गरेना ने। तो यहाँ पे जब प्लेन से जाओगे ना, तो मैं आप लोगों को बोला था कि प्लेन में आग लग जाएगा और बंदे लोग यार ऊपर ही मर जाओगे, ऐसा नहीं है भाई यार, ये प्लेन में सिर्फ आग लगेगा, बंदे लोग जिंदा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेन को भी देखो थोड़ा टेढ़े से जा रहा है गाइस, ये भी आप लोगों को सीधा ही जाते हुए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यार मैप के अंदर जब देखोगे तो टेढ़ा होके जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो यार आप लोग का जो आर्सेनल है ये भी आप लोग को खुला देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई चाबी वगैरह भी नहीं लगेगा और आप लोग को खोलने के लिए कोई इसको कंप्लीट वगैरह भी करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही खुला रहेगा। लेकिन आप लोग को इसके लिए मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी जाके आर्सेनल को आप लोग ओपन मतलब खुला देख सकते हो, नहीं तो आप लोग को इसको बंद ही रखेगा गरेना ने। तो आप लोग को इसके लिए जो भी करना पड़ेगा इवेंट वगैरह छोटा सा देगा तो आप लोग उसको कंप्लीट करा देना, ज़्यादा आप लोग को हाई फाई नहीं देगा कुछ। इसके बाद में गाइस यहाँ पे मैच को भी चालू करने जाओगे ना तो क्या क्या इवेंट चल रहा है वो भी आप लोग देख सकते हो, मतलब केओस का जो इवेंट आएगा उस पर आप लोग को जो मैं बता दिया कि आर्सेनल वाला इवेंट चलेगा और भी यहाँ पे प्लेन जलने वाला इवेंट आएगा, तो वो सब भी आप लोग को मैच चालू करने के टाइम ही देखने के लिए मिल जाएगा कि इस मैच के अंदर क्या क्या चीज़ होने वाला है, मतलब जिसके अंदर प्लेन में आग लगेगा वो भी देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोग का आर्सेनल ओपन होगा वो भी आप लोग देख के मैच चालू कर सकते हो। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो गाइस नेक्स्ट इवेंट आप लोग का वन पंच मैन एमी 27 के बारे में होता है कि गाइस आप में से काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे ये कमेंट किया हो कि यार विक्रम भाई हमारा एमी 87 वन पंच मैन ली कब तक रिटर्न आएगा, कुछ भी इसके बारे में लीक्स है तो हमें बता दो। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत लीक्स था तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो बहुत सारा बंदे का मन में ऐसा चल रहा है कि यार एमी 87 जो वन पंच मैन ली है वो अभी रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात बता देता हूँ, कोई भी आप लोग को यूट्यूबर वगैरह भी कोई भी बंदा बताता है ना ये बात तो झूठ है गाइस। अभी आप लोग को एमी 87 वन पंच मैन रिटर्न में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि कैसे एक कोलैबोरेशन का आप लोग को मतलब देखने के लिए मिलता है, वन पंच मैन एक कोलैबोरेशन था उस टाइम, तो कोलैबोरेशन जब गरेना फिर से करेगा तभी आप लोग को ये चीज़ रिटर्न में आएगा, ये चीज़ नहीं इसका पूरे के पूरे इवेंट आप लोग को उस टाइम रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा जब फ्री फायर गरेना मतलब इसके साथ फिर से कोलैबोरेशन करेगा। तो अभी तो गरेना ने इसके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है, इसके लिए अभी के टाइम पे आप लोग को ये चीज़ रिटर्न में देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी अगर यूट्यूबर ने भी आप लोग को बताता है या फिर कोई आप लोग का दोस्त भी अगर जो भी आप लोग को बताता है उसको आप लोग सच्ची में मत लेना, क्योंकि देखो ये अभी आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा नहीं, ये पूरे 100% कन्फर्म है क्योंकि अभी तो इसका कोई कोलैबोरेशन नहीं चल रहा है गरेना के साथ, तो कैसे आप लोग को ये चीज़ रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, जब फिर से गरेना इसके साथ कोलैबोरेशन करेगा तो रिटर्न आ जाएगा। इसके बाद में गाइस काफ़ी सारा भाई के मन में ये कमेंट था कि हमारा कोबड़ा MP40 जो है वो कब तक रिटर्न में आने वाला है विक्रम भाई, इसके बारे में क्या कुछ भी लिख्स अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं आप लोग को बोला था कि अपडेट के बाद बताऊंगा, लेकिन आप लोग अपडेट के पहले ही जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को और बता देता हूँ कि ये जो कोबड़ा MP40 है मैं तो यहाँ पे आप लोग को हाइड आउट इवेंट से दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बार की सरप्राइज अभी हाइड आउट इवेंट पे चल रहा है इसके लिए, लेकिन आप लोग इसको कन्फर्म मत लेना। आप लोग को कोबड़ा MP40 इंडियन सर्वर के अंदर जो देखने के लिए मिलेगा ना वो आप लोग का नेक्स्ट इवो वर्ल्ड पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इवो वर्ल्ड पे गाइस 99% कन्फर्म हुआ है कि आप लोग का कोबड़ा MP40 रहेगा। अभी देखो पूरे के पूरे 100% नहीं करूंगा क्योंकि देखो इसका बैनर जब तक गरेना नहीं पोस्ट करता है तब तक इसको मैं पूरे के पूरे 100% नहीं कहूँगा। अगर गरेना ने इसका मतलब इवो वर्ल्ड इवेंट का बैनर को एक बार पोस्ट कर देता है हमारा व्हाट्सएप की ग्रुप पर तो हम लोग को पूरे के पूरे कन्फर्मेशन से पता चल जाएगा कि हाँ भाई नेक्स्ट इवो वर्ल्ड पे आप लोग का कोबड़ा MP40 फाइनली रिटर्न आ जाएगा। अभी आप लोग इसको कन्फर्म करके मत चलना, मैं आप लोग को जब तक बैनर नहीं दिखाता तब तक आप लोग इसको कंफर्म करके मत चलना। अभी इसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा और डायमंड को जमाना पड़ेगा आप लोग इतना तक ही पकड़ के चलो। बाकी यार इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो गाइस काफ़ी सारा भाई का ऐसा कमेंट आ रहा था कि ये भाई M1014 रिटर्न में कब आएगा ग्रीन डेको वाली। तो देखो M1014 ग्रीन डेको वाली कुछ दिन पहले ही आया था जब ग्रुजा वाला आप लोग को देखने के लिए मिल रहा था इवोकन उसी टाइम आया था भाई, उस टाइम निकल लेना चाहिए था क्योंकि देखो अभी तो यार गरेना इस साल तो नहीं डालने वाला है क्योंकि देखो अभी तो 2023 में चल रहा था तो आप लोग को 2024 का एंड में ही देखने के लिए मिलेगा या फिर बीच के बाद, मतलब यार अभी 7-8 महीना तो आप लोग को इसके लिए वेट करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग को ये वाला M1014 रिटर्न में दिया हुआ जाएगा। बाकी तो इसके अंदर अंदर अगर आने का कोई भी लीक्स मिलता है कोई भी चांस होता है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर जरूर से कंफर्म करा दूंगा, टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद में गाइस काफ़ी सारा भाई का कॉमेंट था कि हमारा M1887 कब तक रिटर्न में आएगा जो हमारा इवो वाली है, तो गाइस इवो वाली M1887 भी अभी इसका पहले ही ख़त्म हुआ गाइस, उस टाइम क्यों नहीं निकाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि
कि देखो मैं आप लोगों को पहले से अपडेट दे के रखता हूँ। एक भाई ने बोला था कि यार मेरे पास उस टाइम डायमंड नहीं था, तो देखो मैं तो आप लोगों को 3 महीने 2 महीने पहले से अपडेट देता हूँ, तो आप लोग उस टाइम से क्यों नहीं डायमंड को इकट्ठा करते हो गाइस? थोड़ा सा डायमंड को सेव करके रख लो, 2 महीने पहले से बता रहा हूँ, तो यार आप लोग थोड़ा सा सेव करके रखो तो ही आप लोग को पता चलेगा। मैं जब आएगा ना इवेंट उसके 2-1 महीना पहले से बता देता हूँ, तो डायमंड इकट्ठा करोगे ना तो बहुत सारा डायमंड हो जाता है गाइस। तो आप लोग थोड़ा बहुत डायमंड को सेव करना सीख जाओ, तो आप लोग को यार सभी आइटम आप लोग जब आएगा तो रिटर्न में तो ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा। बाकी तो आप लोग को क्या चीज़ चाहिए आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि क्या चीज़ आप लोग को रिटर्न चाहिए। इसके बाद में गाइस यहाँ पे और एक न्यू इवेंट को जिसमें आप लोगों का बनी बंडल रिटर्न आया है, ठीक है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, एक मतलब यार कमेंट किया था कि बनी बंडल रिटर्न कब आएगा, कोई भी लिंक्स है तुम्हारे पास तो विक्रम भाई बताओ, तो मैं उसको वो कमेंट में ही बोल दिया था कि परसों बताऊंगा, ठीक है। तो भाई के लिए बस ये वीडियो बना रहा हूं। भाई यार यहां पे वीडियो को अच्छे से देखो गाइस, मैं आप लोगों को क्या बोला था कि आप लोगों का कोई ना कोई एक बनी बंडल आप लोगों को यार देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो उसी टाइप से यहां पे एक ही बनी बंडल का इवेंट आप लोग देख सकते हो। यहां पे सिर्फ एक ही बनी बंडल गिरना दे रहा है और पुराना वाला जो बनी है उसको रिटर्न में डाल दिया, ठीक है। तो न्यू वाला बनी मंडल यहाँ पे एक ही आया है, ठीक है। मैं आप लोग का ऐसा ही बोला था कि कोई ना कोई एक बनी मंडल आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा OV43 अपडेट के बाद, तो उसी टाइप से यहाँ पे एक इवेंट बार की सरपड़ अभी आ चुका है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। इंडियन सरपड़ सेम टू सेम इस टाइप के इवेंट देखने के लिए मिलने का चांस बहुत ज्यादा है गाइस यहाँ पे, इसके लिए मैं इवेंट को ला के दिखा रहा हूँ आप लोग को। बाकी तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से इवेंट को देख लो, इसके अंदर आप लोग को कितना डायमंड का स्पिन वगैरह पड़ेगा, कितना कितना आइटम यहाँ पे रहेगा, जो भी आइटम यहाँ पे दिया है गिरना सेम टू सेम इंडियन सर्वर पर भी ऐसा ही रखेगा अगर आता है इवेंट तो। इसके बाद में गाइस यहाँ पे और एक आइटम है जो यार आप लोगों में से काफी सारा भाई के मन में कमेंट था कि हमारा जो रैम्पेज वाला इवेंट मंडल है उसके बारे में, तो रैम्पेज वाला के बारे में यार देखो जो एक भाई ने कमेंट कर रहा था उसके बारे में तो देखो अभी बोलूंगा कि बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे तो कोबड़ा बंडल का मैं जो बात कर रहा था भाई ने, तो कोबड़ा बंडल यहाँ पे फाइनली रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस वाले टोकन व्हील को आप लोग पकड़ के मत चलना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोगों को तीनों बंडल साथ में रिटर्न में डाल दिया गया ना, आप लोगों का बुया डेकी और यहाँ पे आप लोगों का कोबड़ा बंडल भी साथ ही में साथ यहाँ पे आप लोगों का डैम्पेज वाला भी, लेकिन इस इवेंट को पकड़ के आप लोग मत चलना। कोबड़ा बंडल यहाँ पे अलग से रहेगा, कोबड़ा बंडल के साथ उसका गुलाल की स्किन रहेगा, उसका 2-4 और भी आइटम रखेगा गिरना स्काईबोर्ड से लेके साइथ की स्किन से लेके गिरनेट तक बहुत कुछ आइटम, बैकपैक भी आप लोगों को इवेंट के अंदर ही दे देगा, लेकिन उसमें आप लोग को स्पिन करके निकलना पड़ेगा। अभी यार आप लोगों में से काफ़ी सारा भाई के मन में डाउट कि कितना डायमंड लगने वाला है, जैसे कि यार पहले ही एक भाई का कमेंट किया था कि 2000 डायमंड में क्या निकल जाएगा, तो भाई इतना सस्ते में तो नहीं निकलेगा गिरना, आप लोगों के हिसाब से तो यार 4 से लेकर 5000 डायमंड तो खाएगा ही, इसके अंदर अंदर अगर निकल जाता है तो आप लोग पकड़ के चलना कि आपका लाग बहुत अच्छा है इसके लिए निकल गया। बाकी तो अगर अभी बात करें कि इसका कन्फर्म डेट के बारे में, तो गाइस देखो इसका कन्फर्म डेट कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं आया है, अपडेट आने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा ऐसा ही बोला था, लेकिन मेरे पास 2 पॉसिबल डेट है, ठीक है, कंफर्म अपडेट नहीं है, सिर्फ पॉसिबल डेट है, ठीक है। तो पॉसिबल डेट एक होता है कि आप लोग का 27 तारीख को, मतलब आप लोगों का जनवरी मंथ के 27 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, ये एक पॉसिबल डेट है, और दूसरा पॉसिबल डेट है आप लोग का बहुत दूर तक जो आप लोग का फेब्रुअरी मंथ की 22 तारीख, तो ये दोनों पॉसिबल डेट है, अभी इन दोनों में से कोई भी कन्फर्म हुआ नहीं है। अगर कोई भी डेट कन्फर्म हो जाता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर जरूर से कन्फर्म करा दूंगा कि डेट कन्फर्म हो चुका है। बाकी तो गाइस यार आज की वीडियो इतना सही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर से बता के जाना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।